दोस्तों आप भी गूगल पे चलाते हो और अभी देख सकते हो तो कि मेरे को भी यहाँ पर लोन का ऑप्शन आ चुका है और गोल्ड का ऑप्शन ठीक है जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर लिख रहे चेक योर सिविल स्कोर फ्री मतलब यहाँ पर चेक करने की और यहाँ पर लोन का भी ऑप्शन दिखा रहा है तो जैसे कि मैं इस लोन पे मैंने क्लिक किया और आप लाइव प्रूफ देख रहे हो जैसे मैं लाइव प्रूफ करके क्रेडिट करके कर दिखाऊंगा जैसे कि मैं पहले से क्रेडिट कर चुका हूँ और अभी देख रहे हो कि लोन देख रहे ऑप टू यहाँ पर एट लाख तक मतलब आठ लाख तक हमको लोन मिल जाएगा यहाँ पर देख रहे हो दस से लेकर आठ लाख और भी छह महीना चार ईयर के लिए मतलब छ मंथ के लिए भी है चार ईयर पे मतलब चार साल के लिए भी है स्टार्टिंग आप देख सकते हो मैं मंथली रीपेमेंट कर सकता तो हूँ पांच सौ इंटरेस्ट आप देख हो पंद्रह परसेंट आपको इंटरेस्ट लगेगा और आप देख सकते हो कौन सा कंपनी दे, दे रहा है डी एम आई दे रहा है ठीक है और जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे को यहाँ पर लोन मिल जाएगा जैसे कि मैं अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूँ की आपको लोन कैसे लेना है बिना गलती बिना जानकारी के लिए आप लोन ले लोगे तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है क्योंकि आप लोग बिना जानकारी के लोन ले लोगे तो फिर आप को लास्ट में रोना पड़ जाता है तो देखिए मैं आपको जैसे कि आप फोन पे सॉरी गूगल पे यूज करते हो और आपको गूगल पे पे ये ऑप्शन देखने को मिल गया और आपने फटाफट जाकर लोन ले लिया और इसके बारे में नहीं जानकारी किया तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है जैसे कि बहुत लोग यहाँ पर पछताते हैं और बाद में बोलते हैं कि गूगल पे मतलब मेरे को लोन देकर फंसा दिया तो चलिए आपको मान चलिए इमरजेंसी लगा है पंद्रह हजार के लिए दस हजार के लिए चाहे एक लाख के लिए चाहे पांच लाख के लिए चाहे आठ लाख तक आपको लोन चाहिए तो आपको आठ लाख तक गूगल फोन जैसे फोन पे गूगल पे आपको दे रहा है पैसा तो चलिए मैं यहाँ से आपको चेक यहाँ पर पहले चेक करना पड़ता है सिविल तो पहले आप चेक कर सकते हो सिविल तो चले मैंने जैसे सिविल चेक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो इंटरफेस आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर आप देख रहे हो यहाँ पर साफ सुथ दिख रहे यहाँ पर चेक योर सिविल स्कोर फिर और आप देख रहे हो कि एक मिनट में आपका सिविल स्कोर आपका चेक हो जाएगा तो चलिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ सिविल तो आप देखो पहले सिविल चेक करना पड़ता है तो सिविल मैंने चेक किया तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आ जाएगा और आपको बोलेगा फर्स्ट ये नेम पेन कार्ड का और लास्ट नेम आपको पेन कार्ड का देना पड़ेगा तो चलिए मैं यहाँ फटाफट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ा हाइड करूँगा और यहाँ पर देख रहे हो मेरा मोबाइल नंबर फ़ोन पे का आ जाएगा और चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ और नाम डालने के बाद यहाँ से फर्स्ट और लास्ट में अपना नाम डाल देते हैं ठीक तो मैंने नाम डाल दिया डालने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होता है मैं आपको नीचे दिखा दूंगा फिर यहाँ से ऊपर करके दिखता और कंटिन्यू का ऑप्शन सब मिलता है तो मैंने कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू करने के बाद आप देखो कि यहाँ पर सिविल चेक करेगा और पेन कार्ड आपको बोलेगा कि यहाँ पर पेन कार्ड का डिटेल डालिए तो चलिए मेरा ई हो गया और पेन हो गया और पेन तो यहाँ पर बोलेगा पेन कार्ड का आपको डिटेल डालने के लिए सिविल चेक करने के लिए ठीक है पहले आपको सिविल चेक करना होता है तो चलिए मैं सिविल भी चेक करता हूँ मेरे पास पैन कार्ड है तो चलिए मैं पेन कार्ड आपके पास पेन कार्ड होना चाहिए चाहे गार्जियन को हो चाहे जिनका भी हो जैसे आपको फोन पे जिनका है बल्ले सॉरी गूगल पे जिनका है उनका ही सब कुछ चाहिए ठीक है ये नहीं कि किसी और का आप दे देंगे तो फिर आपका जो है कभी नहीं होने वाला ठीक है तो आपको सही सही आपको फिलअप भी करना है क्योंकि जहाँ गलती किए मिस्टेक किए तो आपको जो है सिविल के हिसाब से आपको पैसा भी नहीं मिलेगा तो चलिए मैं फटाफट अपना जो डिटेल जो है आप फिलअप कर ले रहा हूँ सिविल पहले चेक करता हूँ कि मेरा सिविल कितना है मेरा मिल जाएगा नहीं तो चलिए जो मेरा था यहाँ पर पेन कार्ड का तो मैं पेन कार्ड डाल दिया और मेरा ई है तो इस पर डाल देता हूँ और फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ ठीक है कंटिन्यू तो मैंने कंटिन्यू किया और देखते हैं कि मेरा सिविल सही है कि नहीं पहले आपको सिविल चेक करना होता तो है उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा मैं सबसे सब फुल आपको लोन लेकर दिखाऊंगा क्योंकि मैं आप देख रहा हूँ आप देख रहा हूँ यो सिविल कंटिन्यू फिर से मतलब सिविल मेरा नहीं दिखा रहा है चलिए मैं फिर से ट्राई करता हूँ फिर से मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि नेट फिर थोड़ा स्लो काम कर रहा है और आप देख रहे हो कि सिविल मेरा जो है अच्छा नहीं है क्योंकि मैं अभी मैं अपने अपने अकाउंट से अपने नाम से एक लोन पहले ले चुका हूँ मैं लोन उसका अभी भरता हूँ जैसे जैसे उसका लोन भरता जाऊँगा उसका क्या सिविल होता जाएगा तो देखिए मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो सिविल आप देख रहे हो ऐसे इंटरफेस देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर सिविल जो है मेरा अच्छा नहीं है इसलिए स्कोर नहीं दिखा रहा है तो ऐसे में सिविल चेक किया था मेरा छः सौ औसत था सिविल तो चलो मैं सिविल से नहीं तब यहाँ से लोन लेता हूँ कि आप चलो यहाँ से अपना सिविल चेक कर सो फिर ठीक है तो यहाँ से आप लोन लेने के लिए लोन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको करना है क्या आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ से आपको अप्लाई करते हो जैसे कि अप्लाई किया ठीक है तो अप्लाई करते हो तो आपको दो मिनट का इंटर आपका दिखाएगा और आपका जैसे कि नंबर आएगा और इसके कंफर्म में लिए कि आपको यहाँ से कंफर्म कर सकते हो तो यहाँ से चलो कंटिन्यू मैंने किया तो यहाँ पर आपको बोलेगा आपको इंटर योर एड्रेस एड्रेस का पिन डालिए तो चलिए मैं जो मेरा पिन है वेरिफिकेशन पिन तो मैं आप फटाफट पिन डाल देता हूँ ठीक तो थी यहाँ से डालने के बाद यहाँ से पिन मैंने डाला और कंटिन्यू करता हूँ ठीक तो कंटिन्यू किया यहाँ से बोल रहा है पेन कार्ड और पेन कार्ड के लिए यहाँ से मेरे को पेन कार्ड का पूरा डिटेल्स डालना पड़ता है लोन लेने के सिविल तो चेक कर लिए फिर लोन लेने के लिए भी आपको पेन कार्ड का जरूरत पड़ेगा क्योंकि लोन लेना है तो भैया ऐसा आपको लोन नहीं मिलता है क्योंकि पेन कार्ड का भी आपको डिटेल फिर से देना पड़ेगा तो चलिए मैं फटाफट अब यहाँ से पेन कार्ड का भी डिटेल डालते हैं ठीक तो चलिए मैं पेन कार्ड का नाम जो था मैं नाम डाल देता हूँ फटाफट और लास्ट में कोई दिक्कत ना हो और पेन कार्ड का जो है मैं यहाँ फटाफट फिलअप करता हूँ तो चलिए मैं फटाफट फिलअप कर देता हूँ कि आपको परेशानी ना हो लोन लेने में और भैया आपको पहले बढ़िया से जानकारी देख लेना है उसके बाद ही आपको लोन लेना है कैसे आपको लोन लिया जाएगा तो मैं फटाफट यहाँ फिलअप कर देता हूँ और डाल देता हूँ और यहाँ से मेरे को जो है नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलता है तो चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ से बोला जाएगा कि सिमिलर चाहिए कि यह आप कैसे के सैलरी आपको मतलब मंथली पेमेंट आता है कि या बिजनेस है तो मेरा भी यहाँ बिजनेस है मेरा मंथली इनकम नहीं है तो चलो मैं नेक्स्ट करता हूँ नेक्स्ट मैंने किया मंथली इनकम पूछेगा कितना मंथली है तो मेरा चलो मिनिमम बीस कर देना बीस हज़ार तक मिनिमम नेक्स्ट कर देना ठीक तो यहाँ से आपको देखते हो कि यहाँ से मेल है कि फीमेल आपको बोलेगा डिटेल तो मेल है नेक्स्ट किया डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो डेट ऑफ बर्थ आपको जो आधार कार्ड पर है सही सही ऐसे आधार कार्ड पे वाला मतलब डेट ऑफ बर्थ डालना ये ना कि गलती ठीक क्योंकि गलती डाल फिर आपका जो है तो देखिए मेरा भैया यहाँ पर एज जो है कम है <laughs> एज की वजह से मैं मार खा जा रहा हूँ क्योंकि एज बोल रहा है बिटवीन आपको तेईस से लेकर पचपन ईयर एज के हिसाब से भी आपको लोन मिल सकता है भैया एज भी आपको होना चाहिए आप देख रहे हो सही से मैंने फिलअप कर रहा हूँ और लोन देख लो कि एज की वजह से तो चलो मैं यहाँ पर एज यहाँ पर दो हज़ार कर देता हूँ ठीक बाकी भाई पेन कार्ड पर जो मेरा था ओरिजिनल वही है तो एड्रेस करेगा यथी करेगा उसके बाद आप देख रहे हो तो होम का लोकेशन ये फिर लोकेशन क्योंकि मेरा भाई एज की वजह से मेरा जो है मार खा जा रहा हूँ क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ है एक एक दो हजार दो मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे देख रहा हूँ मेरा डेट ऑफ बर्थ के कारण मेरा लोन नहीं मिलेगा तो ऐसे आप सही सही फिलअप कर सकते इतना तो मैं प्रोसेसिंग बता दिया हूँ कि यहाँ से आपका प्रोसेसिंग जो इतना लगेगा उसके बाद आपको जो लोन सबसे फुली आपको मिल जाएगा ठीक है और आपकी एज नहीं हुआ है तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको एज नहीं है तो कोई के मतलब थी पे आई पे आप पेन कार्ड पर आप लोन ले सकते हो कि नहीं उसके लिए मैं जा, डिटेल जानकारी करूंगा और उसके बाद आपको वीडियो दे दूंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय जा भारत वीडियो अच्छा तो, तो लाइक जी कमेंट और चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो आएगा इसी से रिलेटेड कि आपको एज नहीं है तो आपको नेक्स्ट पेन कार्ड कैसे यूज करके आप लोन ले सकते हो चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में